हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हम सबके चैनल प्यारे से चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। तो मैं विवेक मिश्रा आपके साथ जुड़ चुका हूँ। जो नए व्यूवर्स हों वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज बात करते हैं यूनिट्री ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यूनिट्री ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल साथ हमने पिछले क्लासों में पढ़ा भी दिया है, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हेडिंग डालिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जानते हैं हम कि सिंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जब मॉड ए इक्वल टू जीरो आ जाए तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मॉड ए जानते हैं आप लोग को, जस्ट अभी पिछले वाले वीडियो में बताया गया मॉड ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो डिटरमिनेंट आप निकालना जानते हैं, डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, ठीक। तो आप आराम से निकालेंगे डिटरमिनेंट, मतलब जिसे कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है इस रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या होता है इसके बारे में डिफरेंस भी बताया गया है। तो आप पिछली वीडियो को देखेंगे तब ये वीडियो समझ में आएगा, और आएगा भी तो, लेकिन पिछली वीडियो देख लेंगे तो वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये सॉरी मैट्रिक्स है, ये मॉड हो जाता है, और एक होता है मॉड में, ये मॉड लग जाएगा, बाकी यही सब उधर आएगा। और मॉड में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बराबर होते हैं, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है वो अगर जीरो के बराबर आ जाए वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में यह बताया जाता है कि इफ मॉड ए डज नॉट इक्वल टू, मॉड ए जीरो नहीं होता है तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और मॉड ए अगर जीरो हो जाता है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नोट कर लीजिए, इतना कर लीजिए, कर लिए नोट, मिटा दें इसको, हटाएं। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवाएंगे। तो हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल क्या होता है। कुछ नहीं है, ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, यदि क्या हो कि ए एंड ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी है तो वह क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ए निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज भी निकालना आता है, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वह आई आ जाता है तो वह कहलाता है ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अभी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करवाएंगे, सॉरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज, तो आपको उसी में मिलेगा। ये तो आपको दिखा रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अभी जब एग्जांपल हम डायरेक्ट उसी में दिखाएंगे, इसको याद रखेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। जितना आप लोगों को बताया गया सब कुछ याद रखिएगा, ठीक, नोट कर लिए। उसके बाद आता है हमारा यूनिट्री मैट्रिक्स। व्हाट इज यूनिट्री मैट्रिक्स, यूनिट्री मैट्रिक्स क्या होता है। आप लोगों को कंजुगेट मैट्रिक्स भी बता दिया गया है, और कंजुगेट मैट्रिक्स के बाद आता है ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बता दिया गया, हर्मिशियन बता दिया गया, स्क्यू हर्मिशियन बता दिया गया, बाकी ये ऑर्थोगोनल हो गया।
जितने प्रकार मैट्रिक्स होते हैं आपको बता दिए गए हैं पिछले, इसलिए कहते हैं लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है, वो भी एसजे पब्लिकेशन से। तो अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, जितना भी पढ़ाएंगे सब का सब हम इस कृष्णा पब्लिकेशन से पढ़ाएंगे। आप लोग देख लीजिए, अगर ये किताब आपके पास है बहुत अच्छी बात, नहीं तो किताब से बहुत माने नहीं रखता है और क्वेश्चन से माने रखता है। किताब रहिए, ये है किताब, इसी से हम पढ़ाएंगे, जो कि लीनियर अलजेब्रा की है, भी चल रही है मैट्रिक्स की। ये है कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, पीछे साइड कुछ ऐसी है, देख सकते हैं आप लोग, ये रही बुक कृष्णा पब्लिकेशन की, लोगो भी देख सकते हैं कृष्णा पब्लिकेशन लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से दिया रहता है। ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको नोट कर लीजिए, हम यूनिटरी मैट्रिक्स बता रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूनिटरी ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, पिछली वीडियो आपने देखा था, तो आज हम यूनिटरी ऑफ ए मैट्रिक्स बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए, बार बार पूछा भी गया है यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स, इसलिए ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, हम सबका यूट्यूब चैनल है। तो हेडिंग डाल देंगे यूनिटरी ऑफ ए मैट्रिक्स, यूनिट्री ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता, सर यहाँ पर ई ए आर वाई रहेगा, यूनिट्री ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिट्री ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होता है। जो यूनिट्री ऑफ मैट्रिक्स होता है ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये काम करेगा, होल्ड करेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो ये होल्ड नहीं करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, जो हमारी लगातार वीडियो देख रहे हैं वो सब पढ़ेंगे हैं, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया भी जाता है। जो भी हमारे वीडियो ना देखे हों, नए व्यूवर्स हों, वे जाएंगे और सर्च करेंगे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल मैट्रिक्स 01, वहाँ से आप लगातार वीडियो देखते चलिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बता देना चाहते हैं, जैसे 1 1 2 3 यहाँ पर देख रहे हैं, 2x2 का 2 रो है, 2 कॉलम है, जैसे रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें देखेंगे लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दैट हम ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी बार बार आप लोगों को बताते हैं, इससे टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स, यदि कंडीशन दे रहा है अगर a पावर थीटा इंटू a इक्वल टू i हो तब, ठीक। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, कह रहा है a स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स a है वह क्या कहलाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी पावर जो थीटा हो उसके स्वयं मल्टीप्लाई करने के बाद वह आइडेंटिटी बचती है तो वह यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है, आई बराबर आप लोग जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थ्री क्रॉस थ्री के लिए, 2x2 के लिए 1 0 0 1, इसीलिए 4x4 के लिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये 4x4 के लिए ऐसे बढ़ता चला जाता है, ये डायगोनल मतलब 1 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, यूनिटरी ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, मिटा दें, ये समझाने के लिए आपको बताए थे, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे ए पावर थीटा जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, आप एक कॉन्जुगेट पढ़े होंगे, एक कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो यह ए थीटा के बराबर आता है, कॉन्जुगेट मतलब बार, ऊपर बार आ जाता है, तो जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्लस आई है तो माइनस आई लिख दिया जाता है, माइनस आई है तो प्लस आई लिख दिया जाता है, वही कहलाता है कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक। क्लियर हो रहा है, इतना पहले नोट कर लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल तौर हम दे रहे हैं, आपको तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा, एक भी मिनट नहीं लगेगा, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात।
तो कंजुगेट मतलब समझिए पहले ए बार क्या होता है, यहाँ समझ लीजिए। ए बार जो निकालेंगे, जैसे आपका दिया गया है 1 + i दिया गया है, i दिया गया है, 3 दिया गया है, मान लीजिए 1 - i कुछ भी लिख सकते हैं। i अगर जिसमें रहे तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो यहाँ पर ए बराबर दिया गया, अगर आप ए कंजुगेट निकालेंगे क्या हो जाता है, जहाँ प्लस आई है वहाँ माइनस आई, ए माइनस आई हो जाता है, आई प्लस में है तो माइनस आई, ये 3 है और ये ए प्लस आई हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस में गया। बहुत सिंपल है, आई जहाँ पर माइनस है वहां पर प्लस कर दो और कंजुगेट निकल गया, काम खत्म। ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम में चेंज कर दो, बहुत सिंपल है। यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो अवश्य सक्सेस होंगे। जो मैथ देख रहे हैं अगर नहीं जानते हो तो हम बता देना चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोडेड हैं इसी हमारे चैनल पर, प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स भी मिल जाएगी। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, तो जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन चल रहा है उसमें सेकंड लेसन है, और ऑपरेटर पढ़ा दिया है। और जो केमिस्ट्री चल रहा है उसमें थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है आपका, केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स हो गया है, ये हटा दें। चलिए अब हम निकालते हैं कि यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। ठीक, यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन दे रहा है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, हम कृष्णा पब्लिकेशंस पढ़ा रहे हैं। बुक जो है हमारी कृष्णा पब्लिकेशन की है, ध्यान से देख लीजिए, आप लोग भी कृष्णा पब्लिकेशन की परचेज कर लीजिए ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी पाएँ और हर एक क्वेश्चन आपको दिखे भी। देख रहे हैं ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, तो इसीलिए बार बार हम दिखा रहे हैं कृष्णा पब्लिकेशन जो पढ़ा रहे हैं। इसमें अच्छा मेथड भी दिया गया, क्वेश्चन भी अच्छे हैं। ठीक, वैसे कोई भी बुक लीजिए, आप मेथड समझे रहेंगे तो बुक नहीं मतलब रखता है, आप मेथड समझिए, बुक से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लगाना जान है कोई दिक्कत नहीं। जैसे सवाल दे रहा है कि प्रूव दैट पीटी, मतलब प्रूव दैट क्या करना है कि बी इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स बी दे रहा है, बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3 और क्या दे रहा है, 1 1 - i 1 1 - i और क्या दे रहा है, 1 + i - 1 1 + i - 1, ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है। इज यूनिटरी, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इतना प्रूफ कीजिए कि यह क्या है, एक यूनिटरी है। आप कैसे प्रूफ करेंगे, हमने आपको बताया कि यूनिटरी के लिए कंडीशन क्या होती है, ए पावर थीटा है, यहाँ पर बी का लिया गया है तो बी पावर थीटा इंटू बी इक्वल टू आई आना चाहिए। अब बी पावर थीटा कैसे निकालते हैं, बी कंजुगेट का ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू आई, पहले बी कंजुगेट निकाल लेंगे, पहले बी कंजुगेट निकालेंगे उसके पास उसका ट्रांसपोज कर देंगे, इंटू बी कर देंगे, बराबर आई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं सॉल्यूशन, चूंकि अब यहां से हम एक आप कंडीशन लिखा दे रहे हैं, चूंकि फॉर यूनिटरी, यूनिटरी के लिए क्या होता है, बी की पावर थीटा इंटू बी इक्वल टू आई, या फिर बी पावर थीटा क्या लिखते हैं हम, बी कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसे ट्रांसपोज पढ़ते हैं इसे कंजुगेट पढ़ते हैं, बी बार पढ़ते हैं इसे डैश इक्वल टू आई इंटू बी इक्वल टू आई, यही हमें प्रूफ करना है। पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लें, सॉरी कंजुगेट निकालेंगे उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ये भी हमारा दिया गया है, हम बी कंजुगेट निकालते हैं, बी कंजुगेट पहले 1/√3 वैसे रह जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे वो सेम रह जाएंगे, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था तो 1 सेम, आई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्लस में है, हमको आप हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 + था यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई होगा, और यहाँ 1 - i है क्या हो जाएगा, 1 + i होगा, और यहाँ -1 है यहाँ -1 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो 1/√3 ये रहेगा ही, बस क्या हो जाता है, जो रो है उसे कॉलम में कर लो, 1 1 - i और ये
ये रो है इसे कॉलम बना लो, वन प्लस आई इंटू माइनस वन, ये आपका बी कंजुगेट का ट्रांसपोज आ गया। इसी के यही होता है हमारा बी थीटा भी यही होता है, इसे हम बी थीटा लिख सकते हैं, बी पावर थीटा वन अपॉन अंडर रूट थ्री आ गया, वन वन माइनस आई और वन प्लस आई एंड माइनस वन, ये हमारा बी पावर थीटा आ गया। बी हमारा दिया गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, या फिर बी की पावर थीटा इंटू बी इक्वल टू बी पावर थीटा, यहाँ पर क्या निकालें हम, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, वन वन माइनस आई और वन प्लस आई, और ये आगे चला जा रहा है थोड़ा इधर कर देते हैं, वन प्लस आई और क्या बचता है माइनस वन, ये निकला बी पावर थीटा का मान। अब बी का मान क्या दे रहा है, वही चीज वन अपॉन अंडर रूट थ्री लिख लेंगे, वन अपॉन अंडर रूट थ्री और क्या दे रहा है, वन वन माइनस आई, वन वन माइनस आई और वन प्लस आई माइनस वन, वन प्लस आई और माइनस वन, ये हमारा तो दिख रहा है आप लोगों को, हम एक बार देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख ही रहा होगा, दिख रहा है ना, ठीक। तो इतना आ गया आपका b थीटा इंटू b पावर थीटा इंटू b। अब अगर ये i आ जाए तो मतलब आपका ये यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना, वेरी सिंपल। अब वन अपॉन अंडर रूट थ्री, वन अपॉन अंडर रूट थ्री देखिए, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, अगर वन अपॉन अंडर रूट थ्री गुणा करेंगे तो वन अपॉन थ्री आता है, आता है या नहीं आता है, सॉल्व करके दिखा दें। चूंकि वन अपॉन अंडर रूट थ्री करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, जब अंडर रूट होता है पावर हाफ होता है, टू टू कैंसिल बराबर वन अपॉन थ्री, यहाँ से ये सब आप लोग बेसिक चीजें हैं जानते ही होंगे, आप इसमें बीएससी कर रहे हैं, ठीक। तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू वन अपॉन अंडर रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री। अब गुणा करेंगे किसका, थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, बी थीटा इंटू बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री आ गया। अब इसका गुणा इसके में इसमें करिए, वन और वन प्लस आई का गुणा वन माइनस आई में, तो वन का गुणा करेंगे, नहीं तो यहां से लिख लीजिए, प्लस वन प्लस आई वन माइनस आई, ठीक। अब एक बार इसका गुणा इसमें कीजिए, वन का गुणा जब इसमें करेंगे क्या आएगा, वन प्लस आई और वन प्लस आई का गुणा एक बार माइनस कीजिए, हाँ आगे माइनस आ जाएगा, वन प्लस आई, ठीक। इतना क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब यहां आप देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, वन माइनस आई गुणा वन बार कीजिए, क्या बचेगा वन माइनस आई और माइनस वन का गुणा माइनस वन इसमें कीजिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वन है, वन माइनस आई, ये चीज। अब वन माइनस आई गुणा वन प्लस आई कीजिए तो वन माइनस आई इंटू वन प्लस आई, अब बीच में प्लस लगाते हैं, वन का गुणा वन में करेंगे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में क्या लग जाए प्लस, इतना समझ में आया क्लियर। चलिए वन अपॉन थ्री बचा, यहां से देखते हैं वन, ये बचा वन प्लस आई वन माइनस आई, सॉल्व करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखेंगे वन प्लस आई इंटू वन माइनस आई, ये क्या फॉर्म था, ए प्लस बी ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर मान माइनस वन, ठीक। लेकिन आई एक बार एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, आई स्क्वायर मान माइनस वन रख देंगे, बात समझ में आ रही है, आई स्क्वायर मान माइनस वन रखेंगे, आई स्क्वायर मान माइनस वन अर्थात वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मान माइनस वन, तो ये वन स्क्वायर को वन ही आएगा, माइनस माइनस प्लस वन अर्थात टू, वन प्लस आई वन माइनस आई जगह टू प्लस करके टू, इतना समझ में आ गया, ये हमने सॉल्व करके दिखाया, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए कैसे हुआ, वीडियो पॉज कीजिए नोट कीजिए, कर लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा, वन प्लस आई आगे माइनस लगाइए, वन प्लस आई अर्थात वन प्लस आई का होल स्क्वायर यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आगे लगा रहिए, एक का स्क्वायर एक ही आएगा प्लस,
आई का स्क्वायर प्लस टू आई, ये होता टू ए बी। ठीक, अब यहां से देखते हैं माइनस आगे लगा है वन, यहां आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मान माइनस वन अर्थात माइनस वन, और ये टू आई, टू आई, आई का मान क्या रखेंगे, आई का मान अंडर रूट वन रखा जाता है। ठीक, आई का मान अंडर रूट वन रखा जाता है। एक जगह मिस्टेक हो रही, ध्यान दीजिएगा, एक जगह मिस्टेक हो रही है, यहां पर जब हम गुणा करते थे वन माइनस आई का इसमें किए और इसका वाला इसमें किए, तो यहां पर क्या आया, प्लस आया, बीच में क्या आया, प्लस आया, और यहां पर भी जब हमने किया था इसका गुणा वन के साथ किया था इतना आया, फिर वन का गुणा इसमें किया था, हमने बीच में प्लस लगाना भूल गए थे। अब ध्यान देते हैं, ये प्लस में है वैल्यू, ये माइनस में है, ये कट के जीरो, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस है, ये भी जीरो, जबकि ऐसा लिखा नहीं जाता है, ऐसा तब आपको नहीं करना होगा। ये जीरो वैल्यू आएगी और यहाँ पर भी ये भी जीरो आ गया, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी जब सॉल्व करेंगे, अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया कि वन माइनस आई और वन प्लस आई, इसको जब सॉल्व किया था क्या आया था, टू आया था, आया था, आप लोग अगर नोट किए होंगे तो देखे होंगे, हमने अभी सॉल्व किया था इसको, वन प्लस आई वन माइनस आई, वही चीज़ है इसमें भी, तो टू आया प्लस वन, इसको लिख सकते हैं वन अपान थ्री, टू वन थ्री, जीरो जीरो थ्री, थ्री से डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा वन, क्या बचेगा वन जीरो जीरो, क्या किसके बराबर, बी थीटा इंटू बी, या फिर क्या आ गया बी थीटा इंटू बी, तो b पावर थीटा इंटू बी इक्वल टू आई, हमारा आइडेंटिटी बचा, बचा लिखेंगे हेंस इट इज ए यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात ये क्या है, यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई हो, बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लीजिए फटाफट। अब आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज का पूरा सवाल भी लगा लेंगे, कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। देख रहे हैं यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स के बाद आपका यूनिटरी पर ही डायरेक्ट आपका आता है, एक आध दो एग्जाम्पल दिए गए जो कि आपको हमने सॉल्व कराया है, एक उसके बाद हम अब एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्सरसाइज आप लोग के सॉल्व करने के लिए हम दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो हमसे, हम तो बताएंगे ही। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है, हम और पास से दिखा दे रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला पहला क्वेश्चन है, नोट कर लिए, और ये दूसरा तीसरा और सब क्वेश्चन है ये वाला। चार तक, दो से लेकर चार तक नोट कर लिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, वन वाला हो गया, टू वाला हो गया, थ्री फोर, उसके बाद हमारा आता है, ये आप लोग घर पे बैठकर कीजिएगा और हम नेक्स्ट डे तुरंत इसका करवाएंगे। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये आपका आंसर भी दिखा रहा है, और आंसर भी देखना चाहते हो तो ये आपका आंसर भी दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट पेज पर भी ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे, डोंट वरी। ये रहे क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिए, चलिए बस ये था तो आपके लिए होमवर्क, घर पर बैठ करके एक्सरसाइज कीजिएगा, हम जैसे यूट्यूब पर भले पढ़ाते हैं लेकिन आपको होमवर्क देते हैं, और जो इसका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि हाँ इसका इतना आंसर आ गया, कल हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर बैठ करके क्वेश्चन नोट ही कर लिए हैं, आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चन। जय श्री कृष्णा।